हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि 5 बजे मैं यहाँ से निकल लूँगा, तो नहा धो के हो गए हैं रेडी और मम्मी ने भी नाश्ता बना दिया है। सारा सामान पैक हो गया है। ये बड़ा वाला बैग है जिसमें कपड़े रखे हैं, इसमें हमारा टेंट वगैरह और ये हमारा हेलमेट। हेलमेट को ले जाना जरूरी है क्योंकि इस वाले सफ़र को हम बाइक से करने वाले हैं। पूरे 1 घंटा 24 मिनट का सफ़र तय करके मैं पहुंच गया हूं अलवर के लोहिया तिवारा नामक स्थान पर। हाईवे के ठीक पास में खड़े होकर वीडियो शूट करते ना तो हमारी कम आवाज आती है और साधनों का सुहतरावा ज़्यादा आता है। हमारे इस सफ़र के हम सफ़र मनीष भाई आ गए हैं। इस गाड़ी से हम सफ़र को पूरा करने वाले हैं। अब मेरा इतना सामान है और मनीष का भी एक ही बैग है, लेकिन ये दूसरा वाला बैग है ना, टेंट वाला, ये बैग नहीं बन पा रहा है। इसको कहाँ लगाएं, इसके बारे में हम सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं। क्रॉस डाल लेंगे पीछे ना, क्रॉस में डाल, क्रॉस नहीं डाल पाएगा यार। देखो कैसे डालेंगे क्रॉस में। तो फिलहाल हम सरिस्का के घने जंगलों में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ से सरिस्का के घने जंगल प्रारंभ हो जाएंगे। हमारे पास कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया ना, तो वहीं से एक रस्सी लेके आया इधर से, इसमें हमारा टेंट रखा है। टेंट को यहाँ बांधने का जुगाड़ कर रहे हैं हम। फिलहाल हम साहपुरा पहुँचे हैं और साहपुरा तक पहुँचने में हमें करीब 2.5 घंटा लग गया क्योंकि रास्ता अब तक पूरा ख़राब था। यहाँ से हम चढ़ जाएंगे NH8 पर। यह जो रोड है इधर दिल्ली से आ रहा है और इधर जा रहा है मुंबई, जयपुर अजमेर और उदयपुर होते हुए सीधा मुंबई की तरफ निकल जाएगा। और आज हम लंबा सफ़र करने वाले हैं, सोच रहे हैं आज का जो डिनर है वो हम चित्तौड़गढ़ में जाके करें। अब देखना ये है कि चित्तौड़गढ़ हम कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने अपना टेंट इधर बांध लिया है और मनीष अपना बैग आगे टांग लेगा और मैं अपना बैग पीछे तरफ टांग के पीछे बैठ जाऊंगा आराम से। तो चलो निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे फिर। चल भाई मनीष, गलती से हमने गलत रास्ता चूज कर लिया, उसकी वजह से हमें करीब 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। गलत रास्ते पर चले गए, मतलब रास्ता दोनों ही है लेकिन हमने जो रास्ता चुना था ना वो था स्टेट हाईवे और हमको जाना है नेशनल हाईवे से, क्योंकि स्टेट हाईवे पे ज़्यादातर ब्रेकर वगैरह ऐसे होते हैं। तो फिर हमें वापस आना पड़ा है। 12 किलोमीटर चले गए थे, 12 जाने कर उधर से आने में करीब 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि गांव में हो गया था, रास्ता ही बेकार था। अभी दोबारा से उसी रास्ते पर जाएंगे और वो रास्ता जो है पहले से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा तो बहुत ज़्यादा। एक तो पेट्रोल की हानि हुई है, इसके साथ में समय की हानि हुई है और सबसे बड़ी जो हानि हुई है वो ये है कि परेशान हो गए बॉडी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। मुंबई 1113 और अजमेर 81 किलोमीटर दूर है यहाँ से। दोपहर के 12:30 बज गए हैं, अब तक हम अजमेर भी नहीं पहुँच पाए, करीब 1 घंटा और लगेगा साथ अजमेर पहुँचने में। और लो इसको तो मैंने देखा ही नहीं, ट्रॉली का टायर फटा हुआ है। 1:10 हो गए हैं, किशनगढ़ बाईपास पहुंचे हैं। भूख लगी है बहुत ज़ोर से, भूख तो काफ़ी देर से लग रही थी लेकिन सोच रहे थे कि थोड़ा और चल लें और चल लें। तो फिलहाल एक ढाबे के पास पहुंचे हम। जितनी देर में खाना बनकर तैयार होता है उतनी देर में हम कमर को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। खाट पर लेटते ही ना बहुत रिलैक्स महसूस हुआ, ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है, ऐसा मन कर रहा है कि यहीं सो जाऊं। लेकिन हमें अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना, करीब 225 किलोमीटर और चलना भी है। गर्म गर्म से बाजे के साथ रोटी है। नरम तभी तो स्वाद लेंगे, कच्चे कच्चे से काट दिया। अरे नहीं, अरे एक बार तोल देना फिर काट दिया आराम से। Beep, 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 beep.
शाम के 5:20 हो गए हैं और आज हम चित्तौड़गढ़ में स्टे करने वाले थे, लेकिन भीलवाड़ा से हमने कट मार लिया कपासन के लिए। तो कपासन पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हम जिस जगह पर खड़े हैं ये है बनास नदी। मेरे पीछे आप देखेंगे ना तो ये पूरी बनास नदी है, इधर हम खड़े हैं। और यहाँ पर ना भी काफ़ी जगह बजरी के ढेर लगे हुए हैं। बजरी जो मकान बनाने के काम आती है, राजस्थान में तो अधिकतर बनास की बजरी यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा था कि शायद बनास नदी में पानी मिल जाएगा, लेकिन इधर पानी नहीं है। कुछ गड्ढे हैं जिन्हें पानी भरा हुआ है, बाकी तो सूखी पड़ी है पूरी नदी। और कपासन यहाँ से भी करीब 29 किलोमीटर दूर है। इसने मुझे डरा ही दिया, मैं समझा कि मेरे सर के ऊपर क्या आ गया भैया। तो मैं वीडियो बनाते बनाते बहुत आगे चला गया, तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। 5:20 तो मतलब 6 बजे तक तो हम कपासन पहुँच ही जाएंगे। हालांकि मनीष ने बाइक चलाई है मान रहे, लेकिन सफ़र तो हम दोनों ने तय किया है ना। आते ही भैया ये तो बेड पे लेट गया कि मैं हो गया हूँ हैरान और परेशान। ये करा आराम और मैं कर रहा हूँ अभी नाश्ता। सो कपासन में रुके हैं, आज नाइट का स्टे यहीं है और कल का पता नहीं कहाँ होगा। तो फिलहाल हम रुके हैं, हमारे जिया जी रहते हैं यहाँ पे, तो उनके यहाँ है दीदी और जिया जी, कहीं बाहर गए हुए वो भी आए नहीं हैं। तो बस हम आराम कर रहे हैं, अकेले से ये सारा कुछ मैनेज कर रहा है। नाश्ता वगैरह इधर सब चाय लेके आने वाला है, ये अकेले से आया चाय लेके। तो मनीष बैठो, मनीष चाय ले यार। चाय तो लेनी पड़ेगी यार, रख दे सवेरे रख देगी। अकेले करो चाय तो पीले, चाय पिएगो तभी तो हैरान की तो उतरेगी। अरे क्या बात है। नहीं आप बताइए, चाय पीने से फुर्ती आती है ना, जब रात को कोई काम करते हैं ना, तो यार रात को जागने का क्या साधन है, बस चाय पीते रहो और जागते रहो। तो आज के सफ़र की शुरुआत मैंने की थी 5 बजे, मनीष ने की थी शुरुआत 7 बजे, क्योंकि मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा चलना पड़ा। मैं गांव से अलवर तक आया, तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, 6:52 हो गए हैं, तो 12 और 2 14 घंटे हो गया सफ़र करते करते, और पूरी तरह परेशान है। अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है और अपलोड करना है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। सो आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।